नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोटिफिकेशन गुरु में। फ्रेंड, आज के इस नोटिफिकेशन में हम आपको बताने वाले हैं IOCL पाइपलाइन अप्रेंटिसशिप 2019 के बारे में। फ्रेंड्स, आज से कुछ महीने पहले IOCL पाइपलाइन अप्रेंटिसशिप 2019 का एक फॉर्म आया था जिसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी थी। तो जिन भी लोगों ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पाइपलाइन अप्रेंटिस की वैकेंसी को भरा था, मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी थी ये, और डिफरेंट पोस्ट भी थे इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, इसका जो एडमिट कार्ड आ चुका है अभी, ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आप इसके एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एग्जाम लोकेशन को चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो इसी के बारे में आज आपको पूरी जानकारी दूंगा कि किस तरीके से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो फ्रेंड, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल नोटिफिकेशन गुरु को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा आई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले और आप उसका लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन गुरु, तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो फ्रेंड, इंडियन ऑयल पाइपलाइन अप्रेंटिस का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा एडमिट कार्ड डाउनलोड का, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है और इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आ जाना है। फ्रेंड, ठीक है, इस पर आने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड जो आप डाउनलोड कर सकते हैं 29 नवंबर से लेकर के 8 दिसंबर तक आप इसके एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और 8 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम डेट है। ये सभी के चेंज भी हो सकते हैं फ्रेंड, ठीक है, तो यहाँ पर 8 दिसंबर आपका एग्ज़ाम डेट को आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो नीचे आपको आना है और यहाँ पे देखना है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा लॉग इन फॉर एप्लीकेंट और एडमिट कार्ड डाउनलोड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इधर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अपना फिल करना होगा और नीचे में आपको अपना पासवर्ड फिल करना होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में दिया था। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए, नीचे में आपको एक सिक्योरिटी कोड मिलेगा इस तरीके का, FFDRD। इस सिक्योरिटी कोड को आपको नीचे में यहाँ पर फिल कर देना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर साइन इन कर लेना है फ्रेंड, ठीक है। साइन इन करेंगे तो ये आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको एक एडमिट कार्ड का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करते ही आपका एडमिट कार्ड PDF में डाउनलोड हो जाएगा। फ्रेंड्स, जिस भी कैंडिडेट्स को अपना पार्ट वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड याद नहीं है, वो क्या करेंगे, नीचे यहाँ पे देखिए फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपको अपना पासवर्ड भी मिल जाएगा। फ्रेंड, अगर ये वेबसाइट आपके मोबाइल में नहीं खुल रही है तो आपको सिंपली करना क्या है, ऊपर में यहाँ पे देखिए 3 डॉट आपको दिख रहे होंगे, इस 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद नीचे में आने के बाद क्या करना है, डेस्कटॉप साइट पर यहाँ पर आपको टिक कर देना है। फ्रेंड्स, ठीक है, टिक करने के बाद क्या होगा, ये साइट आपका खुल जाएगा। मेरा डाटा ऑफ है इस कंसर्न, ये टिक करने के बाद जब आप इसको डेस्कटॉप साइट कर देंगे तो अभी ये आपके मोबाइल में अच्छे तरीके से खुल जाएगा और इजीली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे इसकी पूरी जानकारी को, तो अपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। तो अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मैं फिर मिलूंगा एक नई वैकेंसी के साथ और एक नए अपडेट के साथ। तो अभी के लिए गुड बाय, जय हिंद।